अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो नौकर रोटी बनाता है और वो आप गाय को खिलाते हैं, तो क्या आपको पुण्य की प्राप्ति होगी या नौकर को होगी पुण्य की प्राप्ति? आज इसी का उपाय बता रही हूँ। नौकर के हाथ की रोटी को ऐसा क्या करें जिससे उसका पुण्य आपको प्राप्त हो? तो आज का वीडियो इतना ही है। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ और बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया है मुझसे कि दीदी, नौकर के या नौकर नौकरानी के हाथ का बना हुआ खाना हम गाय को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं या कुत्ते को रोटी देते हैं, तो हमें फ़ायदा मिलेगा या नौकर को मिलेगा? तो आइए पुण्य और पाप पर इसका विश्लेषण करते हैं और किसको पुण्य मिलेगा, किसको भयंकर पाप की प्राप्ति होगी, आज इसी की चर्चा में हम करेंगे। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी पूरे मन से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी यही शुभकामना आपके साथ में होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए बहुत रोचक है और जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना, जिस नौकर के हाथ का खाना आप स्वयं खा रहे हैं और गाय को भी रोटी दे रहे हैं और कुत्ते को भी दे रहे हैं और कौवे को भी दे रहे हैं, तो उसका पुण्य किसको मिलेगा और उसको इन तीन जीवों को पुण्य, मतलब आपको खाना देने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी या नौकर को पुण्य की प्राप्ति होगी, आइए इसी की चर्चा करते हैं। मित्रों, हमने कुछ धनवान महिलाओं को देखा है और कुछ धनवान पुरुषों को भी देखा है कि वो एक पैकेट में, थैली में गाय की रोटी कार में ही रख लेते हैं और जहाँ उनको गाय दिखती है उसको वो रोटी दे देते हैं, कुत्ते को भी वहीं रोटी दे देते हैं और कौवा भी दिखे तो उसको भी वो रोटी दे देते हैं। तो उनको पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी आपको चर्चा करने जा रही हूँ। मित्रों, जो गाय के लिए जो रोटी जिस हाथ से बनती है उसी हाथ से अगर गाय को खिलाई जाए तो पुण्य उस खिलाने वाले को मिलता है। अगर जिसने रोटी बेली है, बनाई है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको अपने हाथों से गाय को खिला रहा है, तो 50% पुण्य उसके खाते में भी जाता है, क्योंकि उसने ये गाय की सेवा करी और उस अपने हाथों से गाय माता को भोजन खिलाया। यही प्रक्रिया कुत्ते और कौवे पर भी लागू होती है। लेकिन हम आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो अद्भुत है और वो पूरे मन से आप सुनिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आपने जिस काम के लिए नौकर को घर में रखा है, आप उसको अगर सैलरी देते हैं, सैलरी देते ही होंगे, अगर सैलरी की कटौती नहीं करते हैं, जितनी उसकी सैलरी जितने दिन की बनती है उतनी ही सैलरी आपको दे देते हैं, आप उसको देते हैं, तो आपको दुआ लगती है। छुट्टियों के पैसे अगर आप नहीं काटते हैं तो आपको दुआ लगती है। तो जितना वेतन उसका बनता है उसके अतिरिक्त आप 100 रुपये उसको अलग से दे दीजिए और फिर उसके हाथ की बनी हुई रोटी अपने हाथ से आप गाय माता को खिलाते हैं, गाय माता को प्रणाम करते हैं, तो आपको ही पुण्य लगता है और आपको ही उस पुण्य के फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप अतिरिक्त धनराशि उस व्यक्ति को दे चुके हैं, उसका श्रम आप खरीद चुके हैं, उसका श्रम दान में, श्रम दान नहीं है क्योंकि वो आपके यहाँ सेवक है और सैलरी लेता है। तो सैलरी जिसको आप देते हैं और एक्स्ट्रा पैसे भी बख्शीश के रूप में आप देते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने, भले ही उसके हाथ की बनी हुई रोटी है क्योंकि वो फ्री में आपकी सेवा नहीं कर रहा है, उसके लिए आप उसको सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी में सब चीज़ें आ गई और पुण्य भी सैलरी में आ गया। हाँ, उसकी भावना गाय माता से जुड़ी हुई है तो अलग बात है, उसको पुण्य की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेवक जो गाय के लिए रोटी बनाता है वो इस दृष्टि से विचार करता होगा, क्योंकि उसको अपने वेतन की चिंता होती है जिसकी बदौलत उसका घर का खर्चा चलता है, उसका परिवार का खर्चा चलता है, और जो सेवक होता है उसका दायरा पुण्य पाप की ओर अग्रसर नहीं होता है। कुछ ही ऐसे सेवक होते हैं जो इस बारे में विचार करते होंगे, क्योंकि उनकी उनको अपनी सैलरी से मतलब होता है और जितनी सैलरी उनको मिल जाती है और बख्शीश के रूप में कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो उनके दिल से दुआ और ब्लेसिंग्स आपके लिए निकलती है। तो आप अगर वेतन पूरा देते हैं, छुट्टियों के पैसे नहीं काटते हैं और स्पेशल बख्शीश भी देते हैं सेवकों को, तो आपको उनकी दुआ मिलेगी और आपको ये हक है कि चाहे रोटी उनकी बनी हुई हो, उनके हाथ ही उस पर लगे हुए हों,
लेकिन अगर आपने अपने हाथ से उस रोटी को गाय को खिलाया है, कुत्ते को खिलाया है और कौवे को खिलाया है, तो पुण्य फल आप ही को प्राप्त होगा, उस नौकर को नहीं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में आकर अवश्य बताना। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करना जो लोग भी कन्फ्यूज़न में हैं उनका कन्फ्यूज़न मिट सके और वो आपको ब्लेसिंग्स दे सके और आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो जाती है मित्रों, हो जाती है। आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह भी ले सकते हैं, मुझे सिल्वर जुबली एक्सपीरियंस है अर्थात 25 वर्षों का तजुर्बा है ज्योतिष के क्षेत्र का, तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपके ज़िंदगी को खुशहाल बना सकती है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सर्विस चार्जेबल होती है लेकिन चार्जेस इतने नॉमिनल होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।